इस वक्त की बड़ी खबर विरार से आ रही है। विरार में शिवसेना के पदाधिकारी को चप्पल से मारने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से महिला शिवसेना के पदाधिकारी जीतू खाड़े की चप्पलों से पिटाई कर रही है। दरअसल मामला विरार ईस्ट हेरिटेज में रहने वाली महिला का है, जिसको जीतू खाड़े ने फोन किया और लड़कियों का डिमांड करने लगे, जिसके बाद महिला ने जीतू खाड़े को बुलाकर अच्छे से सबक सिखा दिया। वीडियो में फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से जीतू खाड़े को महिला चप्पलों से मार रही है और जीतू खाड़े रिक्शे से निकलकर वहां से भागने लगे। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वहीं शिवसेना की तरफ से इस मामले को लेकर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। जय महाराष्ट्र, मैं ममता गुप्ता, ये मेरा लड़का 15 साल का है, मैं यहाँ पे 18-19 साल का ऊपर है, अभी मैं फिलहाल ऑटो चला रही हूँ, मेरा मिस्टर नहीं, मैं यहाँ मेरा लड़का के लिए। तो इतने दिन हो गए मुझे इतना परोस से कोई कभी एक भलो बात बोला नहीं, हंसी मजाक छोटे बड़े बच्चे सभी आदमी लोग से मैं बात करती हूँ, लेकिन सिटी वाला की तरफ से, मनसा का तरफ से जहाँ जहाँ सब इज्जत ही मिलता है। आज पता नहीं क्या हो गया, जीतू खाड़े बोल के शिवसेना का पदाधिकारी, उन्होंने मुझे आज 8-9-10 साल से पहचानता है, अच्छा तरीके नजर से तो देखता नहीं, मुझे वो पता नहीं था। आज अचानक 4-5 बार मिस कॉल आए और मैंने कॉल रिसीव की तो ब्लू कलर ने बताया जीतू खाड़े, और उन्होंने कॉल करके मुझे गलत बताया, और वो मैं बता नहीं सकती गलत और तुम्हारा पास है क्या, बार बार फोन करके बोल रहे मीनू आके आपसे बात करना है, इसका इतना गलत इतना नहीं चाहती मैं सोच भी नहीं सकता। आपने इसके लिए कोई उनके शिवसेना की पदाधिकारी है उनके पास या पुलिस स्टेशन में कहा कंप्लेंट दर्ज किए? नहीं की नहीं, लेकिन अभी मैं पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करने वाला, और जो मेरा परिसर सिटी वाले का तरफ से जो सर है उनको भी मैं विनती करके बोल रही हूँ उनके लिए कुछ कार्रवाई करे, जो ये लेडीज लोगों का ऊपर ऐसा नजर में क्यों देखते हैं, सब लेडीज का तो नहीं होता, मैं मेरा बच्चों का मुख देख के मैं रात दिन मेहनत करती हूँ, जो मेरा बच्चे से तोड़ होती है, आज उसके नीचे ऐसा बात की मुझे खुद को ऐसा लग रहा है गलत हूँ, तो ऐसा मेरे बात की, और मैं मनसा वाले को भी बोल दी मैं ऐसा आदमी लोगों को ऊपर मतलब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो लेडीज को ऐसा नजर में क्यों देख पाए। आप क्या काम करती हो और कहाँ रहती हो? मैं शाइना चांदबाड़ी में रहती हूँ, और मुझे वहाँ पे सारे लोग इज्जत करते हैं, और ऑटो चलाती हूँ मैं सुबह से शाम तक, घर का काम रहते हैं, मैं शाम को 5 बजे ऑटो चलाने को जाती हूँ, कभी कभी रात को 12 बजे बज जाता है, लेकिन इस तरीका का बात मेरे को आज तक किसी से मिला नहीं। आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? मांग यही है जो आज वो मुझे बोला, मुझे तो रोना आ रहा है, कल और कोई औरत को बोला भी होगा, बोलेगा भी है,